होगा, किशन ने बिल्कुल सही बोला। अब हम लोग चलते हैं क्लास फोर, और आज आपका सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का चैप्टर वन हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो आपका शीर्षक है प्लांट्स फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज, अर्थात पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और अपने विभिन्न पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं, और यह कैसे होता है हम लोग एक एक पॉइंट्स को नजर करेंगे, देखेंगे। अब तक जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी होगी। तो पेड़ पौधे हम लोग, क्योंकि हम लोग खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को काटों पर उसका जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों के भार, अर्थात पार्ट्स ऑफ प्लांट। सबसे पहला है रूट। नाउ वी स्टडी अबाउट रूट। रूट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट आप लोग समझ रहे हैं, यानी जड़। रूट जो होता है मिट्टी अर्थात जमीन के अंदर का भाग, यानी पेड़ पौधों को फिक्स द प्लांट टू द सॉइल, पूरे पेड़ का पूरा पेड़ के भाग को जड़ जो है मिट्टी के नीचे अपने आप को व्यवस्थित करके मिट्टी को पकड़ के और पूरे पेड़ को खड़ा रखने में मदद करता है। यह पेड़ पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है। और रूट के बाद हम लोग देखते हैं सीड। पेड़ पौधों का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है, यानी पार्ट्स है सीड। सीड आप लोग समझ रहे होंगे, सीड यानी बीज, जिसको जमीन में लगाने के बाद गर्मी पानी और न्यूट्रिएंट्स की सहायता से मिनरल की सहायता से वो अंकुरित होता है और सीडिंग होता है। सीड से सीडिंग होता है, यानी नया पौधा सीड में विद्यमान होता है। अर्थात सीड का डिविजन क्या है, कंटेन बेबी प्लांट। अभी मैंने बताया कंटेन बेबी प्लांट, अर्थात इसमें छोटे नन्हे पौधे होते हैं। जो ही हम सीड को मिट्टी में लगाते हैं, पानी देते हैं, सूर्य का प्रकाश मिलता है, गर्मी पानी और हवा मिलती है, तो सीड जो है सीडिंग हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, यानी नन्हा पौधा निकल जाता है, और वही नन्हा पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है, प्लांट होता है। तो इसका वास्तव में जो स्टेम जो है यह पेड़ पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और यह देखिए कैरी वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीफ, यानी कि जड़ें जो मिनरल और वाटर लेती हैं वो स्टेम के द्वारा होते हुए और पत्तियों तक पहुँचता है। अर्थात आप लोग समझ रहे होंगे कि स्टेम जो है पेड़ पौधों का कितना महत्वपूर्ण भाग है। अगर स्टेम नहीं होगा तो जड़ और खनिज लवण पत्तियों तक नहीं पहुँचेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट है लीफ। लीफ यानी आप लोग ध्यान दें होंगे, लीफ पत्ती को बोलते हैं, मेन फूड फॉर द प्लांट, और इसको किचन भी बोलते हैं। अर्थात पेड़ पौधों का किचन अर्थात रसोई घर। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में, और पत्तियों का रंग हरा होता है क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद करते हैं। बिना क्लोरोफिल के भोजन नहीं बन सकता है। और लीफ जिसका रंग हरा होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा होता है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और सूर्य से प्रकाश लेता है, और जड़ जो है जमीन से खनिज लवण लेते हैं, स्टेम के द्वारा होते हुए ये सारी चीज़ें पत्तियों में पहुँचती हैं, और तब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तब आप लोग समझ रहे होंगे लीफ कितना महत्वपूर्ण पार्ट है पेड़ पौधों का। नेक्स्ट फ्लावर्स। फ्लावर्स आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को फ्लावर्स और उनके रंग बहुत पसंद होते हैं। तो फ्लावर्स क्या है, डिफरेंट कलर्स शेप एंड साइज। कोई भी फ्लावर जो है वो सेम कलर का नहीं होता है। अलग अलग पौधों के फ्लावर जो है अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, उनकी आकृति अलग होती है और साइज अलग होता है, यानी आकार अलग होता है। देखने में उनका रूप स्वरूप अलग होता है और विभिन्न प्रकार के चमकीला रंग उनके होते हैं। और यह जो होता है पेड़ पौधों का सबसे सुंदर पार्ट्स है, सबसे लवली और अट्रैक्टिव पार्ट्स है, जिसे
ठीक है, और फ्लावर जो है फ्रूट बनता है, और फ्रूट में सीड होते हैं और सीड में नन्हा पौधा होता है। कितना आप लोग समझ रहे हैं? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी फल। फल आप सभी लोग खाते हैं, सारे बच्चे खाना पसंद करते हैं, हम भी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि फल जो होता है रसदार होता है और यह हमें बीमारी से बचाता है। बीमारी के कीटाणुओं को हमारे शरीर से मार भगाता है, उनकी रसदारी करता है। तो फ्रूट्स का क्या काम है? कैरी एंड प्रोटेक्ट द सीड्स। सीड्स जो पेड़ पौधों का एक बहुत ही एन इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसकी सुरक्षा कौन करता है? फ्रूट करता है। फ्रूट यानी कि फल। फल के भीतर सीड्स होता है, आप लोगों ने देखा है, आप लोग जानते भी हैं, आप लोग बहुत सारे फल खाते भी हैं, और फलों के भीतर जो सीड्स नजर आते हैं उन सीड्स की देखभाल रखवाली और सुरक्षा जो है फ्रूट करते हैं। अगर वो सीड जहाँ तक फैल गई है सड़ गल जाएगा तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि एक सीड में हजारों पेड़ पौधे छिपे हुए हैं। मान लो एक मैंगो का सीड है, उसको हम कहीं जमीन में गाड़ते हैं, पानी देते हैं, हवा मिलती है तो वो अंकुरित होता है, अर्थात सीडलिंग होता है, और नया सीडलिंग नया पौधा जो है धीरे धीरे बड़ा होकर उस पेड़ में हजारों लाखों करोड़ों आम लगते हैं। लगते कि नहीं लगते हैं? तो एक सीड में हजारों पेड़ छिपे हुए हैं। तो सीड कोई बहुत महत्वपूर्ण है, और सीड के साथ जो फ्रूट है वो भी कहीं महत्वपूर्ण है, और फ्रूट तो हमें भोजन भी देता है। तो ये हुए पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट, सीड, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हुई कि ये पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। ये था आपका पहला टॉपिक, और इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट ऑफ लीफ, इसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे, यानी अगला वीडियो बताएंगे। इतना आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे और घर पर भी बुक में इसको रीडिंग करें, अच्छी तरह से समझें, और उसके बाद जो है अगर कोई कमी बेच नजर आता होगा हमें फ़ोन करें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे।